Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss generally accepted accounting principles. Basically, these are the accounting principles that are actually followed by the accountants all over the globe. As your name states, generally accepted. So these are actually accepted all around the globe. All the companies, accountants follow these rules while recording, summarizing and preparing their financial statements. It means कि जैसे ही transaction हमारे पास आती है तो accountant उसकी recording करते हुए भी इन तमाम rules को follow करता है, plus जब हमने adjustments करनी होती है वो भी इन rules के according होती हैं और हमारी तमाम financial statements इन principles के accordingly prepare की जाती हैं. So let's see what are these principles. Okay, first of all I have realization principle. Realization principle is a key principle in accounting that states that revenue should be recognized when they are earned or they are realized, regardless of when the payment is being actually received. Basically, ये हमारे adjustments में भी ये बहुत ज़्यादा principle use होता है. Realization principle ये कहता है कि जब भी आपने sales होती हैं आपकी product या sale होती है या आप services render करते हैं और आप revenue earn करते हैं तो उस रेवेन्यू के अगेंस्ट अगर आपको कैश रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि दो ही सिचुएशन हो सकती हैं कि जब आपने चीज बेची है तो या तो वो कैश पे ट्रांजैक्शन होगी, इट मींस कि कस्टमर आपको उस वक्त कैश पेमेंट्स कर देगा तो आप उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं. लेकिन अगर वो क्रेडिट सेल्स हैं, आपने उधार पे आपसे चीज खरीदी है तो इट मींस कि पेमेंट आपको फ्यूचर में होगी, तो वो जो पेमेंट आपको फ्यूचर में होगी लेकिन स्टिल उस वक्त आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने जनरल जर्नल में उस सेल्स को रिकॉर्ड करना है, बिकॉज वो सेल जिसका पैसा मिलने की आपको सर्टन उम्मीद हो कि फ्यूचर में मुझे रिसीव हो जाएगा, आई विल बी एबल टू कलेक्ट दैट फंड इन नियर फ्यूचर, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं. ये प्रिंसिपल आपको बाउंड करता है कि उसको आप अपनी सेल्स कंसिडर करना है. तो अगर आपकी कैश सेल्स हैं या क्रेडिट सेल्स हैं, दोनों को एट द पॉइंट ऑफ सेल्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज द स्टेबल डॉलर प्रिंसिपल. स्टेबल डॉलर प्रिंसिपल ये कहता है दिस प्रिंसिपल अज्यूम्स दैट द करेंसी यूज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेन्स स्टेबल ओवर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान की एक फर्म के अंदर अकाउंटेंट हैं एंड यू आर preparing those financial statements by using the currency Pakistani rupee. Canada में है, अमेरिका में है, आप US dollars use कर रहे हैं, इंग्लैंड में आप pound use कर रहे हैं, जो भी currency है उस currency को हम stable consider करेंगे. हाँ, ये बात है, ये मानने वाली बात है कि reality में ऐसा नहीं होता. reality में हमारी economies sometimes inflationary economies होती हैं, sometimes वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि डिफ्लेशन हो, लेकिन ज्यादातर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं और आपकी जो करेंसी होती है वो अपनी वर्थ लूज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपनी परचेजिंग पावर लूज करती है. लेकिन स्टिल अपनी ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आपने उस करेंसी को स्टेबल कंसिडर करना है. स्टेबल डॉलर प्रिंसिपल है, स्टेबल करेंसी को कंसिडर करें. इससे ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी जो कंपैरिजंस हैं फ्रॉम द प्रीवियस इयर्स वो आराम से कर सकते हैं, या किसी दूसरी कंपनी के साथ भी अगर आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपनी एफिशिएंसी या एक्टिविटी का कंपैरिजन करने हो तो वो कंपैरिजन आपके लिए आसान हो जाता है. अगर आप इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के करेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करने लगे तो फिर तो अकाउंटेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि आज का 1 लाख अगर आपका प्रॉफिट है और पिछले साल आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया तो वो दोनों एक्चुअल में बराबर नहीं है, क्योंकि पिछले साल वाले 1 लाख से आपकी उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है. आज क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो उस 1 लाख की परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दिस प्रिंसिपल और अकाउंटिंग प्रोसेस में ईज के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने वैल्यू ऑफ मनी को कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं. सो दिस इज स्टेबल डॉलर प्रिंसिपल. नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट whatever the method or the principle you are using in your accounting process, you should be consistent in using that principle or that method. For example,
जैसे अगर आपने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास सर्टन मेथड्स हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, या जो भी कोई मेथड आप यूज कर रहे हैं। तो आपने सपोज करें कि ऑनर ने अपने डिस्क्रिप्शन से, अपनी चॉइस से एक मेथड डिसाइड कर लिया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो अब उसने अगर एक दफा वो मेथड चूज कर लिया है, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग दैट मेथड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने अगले कई सालों तक आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के जरिए ही अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। और इसी तरह सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और डेप्रिसिएशन के लिए लेट्स से आपने एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया है या उसको ऑप्ट कर लिया है, तो फिर अब आप कंसिस्टेंट रहेंगे उस मेथड में, उसको आप बार 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 चेंज नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स रीड आउट दिस प्रिंसिपल। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट वंस एन अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल इज बीइंग चूजन, एक दफा आपने अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल को चूज कर लिया, देन इट शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप बाउंड हैं कि आप उसको उसी को ही यूज करेंगे। हाँ, यू कैन चेंज दैट, बट विद द बाय प्रोवाइडिंग फुल डिस्क्लोजर टू द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न्ड डिसीजन मेकर्स। और आप उसको चेंज कर सकते हैं, फिर आप उसका फुल डिस्क्लोजर भी देते हैं, और उसके बाद फिर पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट भी दिखा देते हैं कि अगर हम इस मेथड को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट इन फर्स्ट आउट से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आ जाते हैं, तो फिर उस मेथड का इम्पैक्ट क्या होगा। या फॉर एग्जाम्पल ये तो काफी हो गया, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड के बजाय सपोज करते हैं आप किसी और मेथड पे आ जाते हैं, डबल डिक्लाइनिंग मेथड पे आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के, तो उस मेथड का इम्पैक्ट पिछले सालों में भी अब दिखा देते हैं कि अगर ये मेथड हम यूज कर रहे थे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस किस्म की प्रेजेंट होती है। सो दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ यूनिफॉर्म मैनर, मेकिंग इट ईजी फॉर इन्वेस्टर्स, creditors and other stakeholders to analyze, because these are the stakeholders that are actually analyzing the financial statements and they are making comparisons with the other companies that are working in the very same sector over the period of time. तो उन लोगों को आसानी हो जाती है कि अगर आप एक ही method को use कर रहे हैं consistently. Next we have materiality principle. The materiality principle states that financial information should be disclosed and it has a potential that has a potential to influence the decisions of users of the financial statements. This principle allows accountants to focus on reporting significant information that impacts the financial position, performance and valuation of the organization. Basically materiality principle ye kehta hai ki wo tamam information jo kisi bhi decision maker ko इम्पैक्ट कर सकती है, उसके डिसीजन को चेंज कर सकती है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप हाइड नहीं कर सकते। तमाम मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जरूर प्रेजेंट करनी है। ठीक हो गया। और हाँ, अगर कोई इमटीरियल इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी भी डिसीजन मेकर के डिसीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हाँ आप उस इमटीरियल इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ईज, राइट? अदरवाइज मटीरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपरली। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल द एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्ड एट द परचेज प्राइस। इसको पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स the assets and the liabilities are recorded at the original purchase price or the acquisition cost. For example, ek asset hai, suppose a piece of land hai, wo zameen aapne 1 lakh per acre ke hisab se khareedi hai, so that is the purchase price or the acquisition cost. To aapne purchase price pe hi usko record karna hai, apne balance sheet mein aapki land aapko 1 lakh ki likhi nazar aani chahiye. Ha, agar 4 saal ke baad ab wo zameen ki kimat 4 lakh par marla ho gayi hai, to bhi aap usko जो अपनी इस हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक परचेज प्राइस में ही रिकॉर्ड करेंगे। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन, एज द ओरिजिनल कॉस्ट कैन बी इजीली डिटरमाइंड एंड सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंटेशन। जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी और एविडेंसेस होते हैं आपके पास। व्हाइल दिस प्रिंसिपल मे नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आपके करंट मार्केट जैसे प्राइस मैंने अब आपको कहा 4 लाख पर एकड़ हो भी जाए, तो भी आपने उसे 1 लाख पर एकड़ के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना है उस लैंड को,
तो दैट इज के करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे बेस करती हैं कि तमाम एसेट्स जो आपके हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुए होते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एक कार है उसकी कीमत बढ़ भी सकती है, लेकिन कार जो है, कार है, बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू वक्त के साथ कम होती है, लेकिन उस वक्त बिल्डिंग बनाने में आपका जितना खर्चा हुआ 2 करोड़ 3 करोड़, वो आप उसी अमाउंट पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। और हाँ, डेप्रिसिएशन के जरिए जरूर आप इसको नेट वैल्यू पर लेकर आते हैं, लेकिन बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब अपनी एक्विजिशन कॉस्ट या एक्वायर्ड कॉस्ट या परचेज प्राइस के ऊपर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तमाम मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर हाल में इन्फॉर्म करेगी अपने डिसीजन मेकर्स को, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। हद तक कि अगर कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बिल्डिंग में खुदा नखास्ता कोई, या आपकी फैक्ट्री साइट पर कोई आग लग गई है जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, तो भी आप ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को भी आप डिस्क्लोज करेंगे टू दैट कंसर्न डिसीजन मेकर्स। किसी भी चीज को आप हाइड नहीं कर सकते। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मैंडेट्स दैट ऑल रेलेवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिलेटेड फुटनोट्स। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इन सब के साथ फुटनोट्स अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लैंड है उसका अपना सेपरेट फुटनोट होगा, बिल्डिंग का, कैश का, रिजर्व्स का, हर चीज का। तो जो भी उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको कंसर्न फुटनोट्स के अंदर अवेलेबल होती है, जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अटैच फुटनोट्स होते हैं अवेलेबल होती है। दिस प्रिंसिपल एम्स टू प्रोवाइड यूजर्स विद कम्प्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और ये कम्प्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम क्यों देते हैं? टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, सो दैट वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू डिस्क्लोज एनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट है आप डिस्क्लोज करें, ट्रांजेक्शन्स को, कंटीजेंसीज को, रिस्क को, और या उससे एसोसिएटेड कोई इम्पैक्ट आ रहा है आपकी फाइनेंशियल पोजिशन या परफॉर्मेंस पर, आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पर, उसको आप डिस्क्लोज करें, राइट? नेक्स्ट वी हैव मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बेसिकली अगेन एडजस्टमेंट्स के अंदर दोबारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स that expenses should be recognized and matched with the revenues they help generate during the same accounting period. It means कि let's say कि आपका accounting period एक साल का है, यकम जनवरी से 31 दिसंबर, तो यकम जनवरी से 31 दिसंबर में आपने जो रेवेन्यू अर्न किए हैं और यकम जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर जो एक्सपेंसिज इनकर हुए हैं, उन रेवेन्यूज को उन एक्सपेंसिज के साथ आप मैच करें और फिर बताएं कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या आपके बिजनेस ने उस अकाउंटिंग पीरियड में लॉस फेस किया है, राइट? सो हम क्या कहते हैं दैट एक्सपेंसेस दैट आर अर्नड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज दैट आर जनरेटेड इन द वेरी सेम अकाउंटिंग पीरियड। इससे आपकी ट्रू परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट होती है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट दोज रेवेन्यूज। By matching expenses with the related revenues, organizations can assess their profitability and performance more accurately, right? Next, we have accrual basis principle. Basically, beta, ek accrual basis yehi hote hain ki cash receive hua hai ya nahi hua. Jo apna revenue hai, usko aap record kar le. एक्सपेंसेस के लिए आपने कैश पेमेंट्स की हैं या आप फ्यूचर में पेमेंट्स करेंगे, डजंट मैटर, अगर एक्सपेंस इनकर हो गया तो उसको रिकॉर्ड कर लें। तो अक्रूअल बेसिस में, जबकि इसके अगेंस्ट हमारे पास होता है कैश बेसिस होती है। कैश बेसिस में होता है कि जब कस्टमर हमें पैसे देगा, सपोज करें आपने प्रोडक्ट बेची है, कस्टमर ने आपको कहा मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, आपका एसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, एक एसी आज उन्होंने खरीद लिया और उन्होंने कहा 3 महीनों में पेमेंट करूंगा, तो कैश बेसिस होती है। तो जब वो हमें कैश देता है हम तब उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि आज प्रोडक्ट बिक गई है, कैश मिला या नहीं मिला उसको रिकॉर्ड कर लें। दैट इज अक्रूअल बेसिस, कि आप कैश बेसिस पे नहीं चलते, आप कहते हैं कि वेन एवर इट इज बींग अर्नड इट शुड बी रिकॉर्डेड। और सिमिलरली एक्सपेंसेस, अगर आपका बिजली का बिल आया, आपने इसकी 3 किस्तें करा ली हैं, तो जनाब 1 लाख बिजली का बिल आ गया, 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे, 1 इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, 2 रिमेनिंग अगले महीने देंगे, उससे अगले महीने देंगे, तो वो एक्सपेंस इसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, लेकिन वो एक्सपेंस तो इनकर हुआ है ना, तो उसकी पेमेंट को ना देखें, एक्सपेंस की अकरेंस को देखें, जिस पीरियड में अकर हुआ है उस पीरियड में उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। दैट इज अक्रूअल सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है
बिजनेस या आपने स्टार्ट किया है, किसी भी किस्म का बिजनेस है आपका, कंपनी है, पार्टनरशिप है, जो कोई भी बिजनेस आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वंस अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड इट शुड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए एज एन ऑनर कि बिजनेस मेरा हमेशा चलता रहेगा। द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अज्यूम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल कॉन्टिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोरसीनेबल फ्यूचर। जहां तक आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अदरवाइज अगर आपका इंटेंशन ये हो कि मैं एक साल बाद, दो साल बाद अपना बिजनेस खत्म कर दूंगा, तो शायद इंप्लॉयज भी आपके साथ ज्यादा लॉयल ना रहे, क्योंकि वो भी कोशिश करेंगे कोई अच्छी जैसे जॉब मिले हम स्विच कर जाएं, क्योंकि ये कंपनी तो साल दो साल बाद खत्म हो जाएगी। सिमिलरली हमारे जो होते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स, डीलर्स, मैनेजमेंट, ये सब लोगों का फिर वो अटैचमेंट नहीं बिल्ड हो पाती, राइट? तो जो बिजनेस है उसके कंसर्न ये होना चाहिए कि इट शुड बी अ गोइंग कंसर्न, इट शुड बी अ इट शुड रन इट्स ऑपरेशंस ओवर एन लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और हमारा बहुत मुस्तकबिल करीब में इसको लिक्विडेट करने का या बिजनेस को वाइंड अप करने का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, कुछ कुछ बिजनेस की नेचर ऐसी होती हैं जो कि प्रोजेक्ट नेचर टाइप बिजनेस होते हैं, जैसे आपकी फिल्म्स हैं, आपके ड्रामास हैं, कि एक ड्रामा है, एक प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली एक मूवी एक प्रोजेक्ट है, या आपने एक पुल बनाना है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक काम है, वो आपका एक प्रोजेक्ट है। उन बिजनेसेस की नेचर ये होती है कि प्रोजेक्ट में सब लोग इकट्ठे होंगे, दे पुल डाउन देयर रिसोर्सेज, दे पुल डाउन देयर एक्टिविटीज, स्किल्स एंड कास्ट सेट, और फिर वो काम करने के बाद दोबारा से जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो डिसबैंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी का एक प्रोजेक्ट है, आपने एक सीरियल डेवलप करनी है, तो उसमें एक्टर्स, सिंगर्स, स्पोर्टिंग आर्टिस्ट, लाइट मैन, सब लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ड्रामा बन गया, उसके बाद आप सब डिसबैंड हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज ये जो आपके नॉर्मल बिजनेसेस हैं, इनमें हम ये कहते हैं कि हम अपना गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है दैट वी विल रन ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, द कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड आउटवेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट्स प्रिपरेशन। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स और द स्टेक होल्डर्स दैट इज वर्थ द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन इट्स प्रिपरेशन। Accountants can strike a balance between the usefulness of the financial information and the practicality of its preparations. आप basically हम हर वो काम कर लेते हैं जिसमें हमारे benefits exceed कर रहे हो हमारी cost से। For example, अगर आप लोग इस degree में enrolled हैं और BBA कर रहे हैं और let's say आप second third semester के student हैं, तो actually आपने इस program में भी अगर enrollment ली है तो इस enrollment के पीछे भी आपने, अगर आपने नहीं भी इस टर्म से फेमिलियर तो भी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आई हैं कि इस डिग्री में अगर हमारे 4-5 लाख रुपए लगते हैं, कॉस्ट जो एसोसिएटेड है इस डिग्री की 4-5 लाख हमारे लग जाएंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो इससे कहीं ज्यादा एक्सीड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इस बीबीए की डिग्री की बेसिस पर अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं, तो अगर एक बच्चे की 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी जॉब लगती है, तो वो 3-4-5-7 महीनों के अंदर वो ये पैसा रिकवर कर लेगा, और ओवर एंड अबव वो जो भी उस डिग्री की बेसिस पे कमा रहा है उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। इट मींस वो थ्रू आउट इट्स लाइफ इस बीबीए की डिग्री से कमाता है, तो बेसिकली इसीलिए उसने एडमिशन लिया है क्योंकि उसके बेनिफिट्स ज्यादा उसको महसूस होते हैं कॉस्ट से। सिमिलरली आप कार बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, जमीनें खरीदते हैं, किसी भी किस्म का आप जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन की बेस यही होती है कि हम हर वो काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इसके बेनिफिट आउटवेट कर रहे हैं इसकी कॉस्ट से। जहां पे आपको कॉस्ट कम और बेनिफिट ज्यादा लगते हैं, यू ऑलवेज ऑप्ट दैट ऑप्शन। और यहाँ पे बेसिकली इसका ये पर्पस था कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डिसीजन मेकर्स को, उसमें बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, और उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने और उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी कम होनी चाहिए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि इट एक्चुअली रिलेट्स टू द फ्यूचर, कि अगर आपको फ्यूचर देखिए ना, आप 100% प्रिसाइसली फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज भी होती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में किसी प्रॉफिट के होने का अंदाजा है कि हमें कोई
पोटेंशियल गेन हो सकता है, कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो आप उसको फौरी तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कहते हैं लेट इट हैपन, जब वो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, जब वो हमें गेन रिसीव हो जाएगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में किसी लॉस के होने के चांसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रही, या आपने कोई आपके आपकी कंपनी के खिलाफ कोई केस चला गया अदालत में और उसमें भी आपको लगता है कि हम विन नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, अभी केस चल भी रहा है, अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ, हियरिंग नहीं हो रही, या उसका जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप उस लॉस के लिए, पोटेंशियल लॉस के लिए अभी से रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट नहीं होने देते गेन्स के सिलसिले में, कि जब भी हमें गेन्स मिलने हैं, प्रॉफिट्स मिलने हैं, तो जब तक वो मिलेंगे नहीं हम उनको रियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और ये छोटी सी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में। फॉर इंस्टेंस इफ अ कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल डिस्प्यूट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अदालत में कोई आपका केस चल रहा है एंड द आउटकम इज अनसर्टेन एंड स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर हियरिंग, के वो किस साइड पे जाएंगे, कि आप कंपनी केस जीत जाएगी या कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज होगी। The conservatism principle requires the company to recognize a provision for potential loss. आप provision create कर लें, reserve से कुछ पैसे निकाल लें, कोई separate कर लें, एक account बना लें कि खुदा न खास्ता का नुकसान हो गया तो फिर हम यहाँ से उसको fulfill कर लेंगे। This provision reduces the company's reported profits and reflects a more realistic estimate of its financial position. However, if the outcome is favorable, अगर आपके हक में हो जाता है, any gains will only be recognized when they are actually materialized, जब वो आपको actually receive हो जाते हैं। So you always err on the side of caution in case of loss. Okay. अच्छा, यहाँ पर दो principles आपकी book में भी mention थे, उनको भी discuss कर लेते हैं। ओके 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 ओके, ये स्क्रीन शेयर हुई हुई ऑलरेडी। अच्छा, एक प्रिंसिपल था इसके अंदर मॉनिटरी यूनिट असम्पशन, ये आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक जो मैंने आपसे शेयर की थी कि ये आपकी रिकमेंडेड बुक है। इसमें से ये देखिए कि मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल या असम्पशन क्या कहती है। इट रिक्वायर्स दैट द कंपनीज इंक्लूड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। इट मीन्स कि आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती है। इट मीन्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक इंडिविजुअल, सपोज करें आप 8th सेमेस्टर में आई हैं और एक कंपनी आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आई है, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है और उन्होंने आपको डिसाइड कर लिया कि हम इसको अपना फ्यूचर एम्प्लॉय बनाएंगे। मिस्टर ए को वो जाते हुए लेटर दे जाते हैं कि आप 8th सेमेस्टर क्लियर करें और आके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, we are selecting you. Now this is the information that cannot be recorded in your books of account because this is non, particularly non-monetary nature. जब तक वो बंदा 8th semester करके आके आपको join नहीं करता, एक महीने तक services नहीं देता, आपने उसको payment नहीं करनी, तब तक उसकी जो जो भी situation है वो monetary nature में नहीं है कोई भी चीज। यहाँ जब वो आपका employee बन गया, अब आपने उसको first salary दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप उसको record करते हैं, हाँ जी salary expense debit और cash credit. अदरवाइज जो नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन होती है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दिस अजम्पशन एनेबल्स अकाउंटिंग टू क्वांटिफाई द इकोनॉमिक इवेंट्स, कि जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम मेजरेबल टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म्स के अंदर हम रिकॉर्ड करें। अब ये देखें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, उसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है, हेल्थ ऑफ द कंपनीज ऑनर, द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। सिमिलरली इफ द एम्प्लॉयज आर वेरी स्किलफुल देन यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन मॉनिटरी टर्म्स, दैट्स व्हाई दीज आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ओवर हियर इज इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको हम बिजनेस एंटिटी अजम्पशन या प्रिंसिपल भी कहते हैं। An economic entity can be any organization or unit in society, right? It can be a company, a government unit, a municipality, a school district, church, any masjid. मैंने आपसे कहा कि ये आपकी जो हमारी economic entity जो होती है वो कोई भी organization हो सकती है, कोई भी unit of society हो सकते हैं, और इसके अंदर इसके अंदर एक और प्रिंसिपल भी था, एक और इंफॉर्मेशन वो ये भी थी कि आपका जो एक ऑनर है
उसके लेट से उसके पास हमारे पास उसके पास तीन चार बिजनेसेस को ओन कर रहा है. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है हमारे पास, मिस्टर ए के पास तीन चार सेपरेट बिजनेसेस हैं. वो एक स्कूल को भी रन कर रहे हैं, एक पेट्रोल पंप के भी वो ऑनर हैं. तो वो दोनों बिजनेसेस की, क्योंकि दोनों बिजनेसेस टोटली डिफरेंट हैं, राइट, और हर बिजनेस एक अपना सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट यूनिट है, तो आप उन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते. इट मीन्स के पेट्रोल पंप अगर आप रन कर रहे हैं तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट आप मेंटेन करेंगे, और जो स्कूल की चेन आप रन कर रहे हैं उस स्कूल के सिस्टम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप सेपरेट मेंटेन करेंगे. दोनों बिजनेसेस के रेवेन्यूज, दोनों बिजनेसेस के एक्सपेंसेस, दोनों बिजनेसेस के एसेट्स, उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली रिकॉर्ड होगी, सेपरेटली प्रिपेयर होगी. इससे फर्क नहीं पड़ता. समटाइम्स अ सिंगल पर्सन ओन्स मल्टीपल बिजनेसेस, लेकिन वो सिंगल पर्सन को क्या रिक्वायर्ड है, वो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट दैट सिंगल ओनर इज बाउंड टू प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईच ऑफ इट्स यूनिट, राइट, एंड you are bound to show its financial position and show its financial position and performance both separately. Income statement separate banaye, balance sheet unki separate banaye. Ab wo aapka profit seeking institute hai, not for profit seeking institute hai. Aapne service business mein enter ho gaye hain, jaise aapka school hai wo service business hai, petrol jo hai pump pe jo hai wo aapka product goods related business hai. To basically aapka business ke nature jo bhi ho, lekin aapne tamam businesses ke liye separate books of accounts record karne hain, separate books of accounts maintain karne hain. Jazakallah khair, assalamu alaikum.